पाठ 11। बीरबल की खिचड़ी। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अरे ये कैसे संभव है? रात भर पानी में? अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मदत्त से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। जी, ब्रह्मदत्त मान गया। अगली रात ब्रह्मदत्त यमुना के ठंडे जल में पूरे समय खड़ा रहा। हरिओम 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 हरिओम। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्रह्मदत्त ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। जी, ब्रह्मदत्त बहुत दुखी हुआ। वह उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ,
पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही जाकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के काफी नीचे जमीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर कोई राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन ब्रह्मदत्त को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट की। कठिन शब्द। बादशाह, बादशाह। विद्वान, विद्वान। चतुराई, चतुराई। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। चाव, चाव। ब्राह्मण, ब्राह्मण। नम्रता, नम्रता। उपस्थित, उपस्थित। सम्मान, सम्मान। राजमहल, राजमहल। शेष कार्यक्रम साइड बी में सुनें।